लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पुरुषों में एचआईवी होने पर नजर आते हैं ये 7 शुरुआती लक्षण। महंगी पड़ सकती है आपकी लापरवाही अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अंत अंत जो होता है आपकी मौत के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए कुछ भी लक्षण दिखाई पड़े तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ये मैं वीडियो अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है जनता के अंदर अवेयरनेस आए, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यह एक तरह का वायरस है जो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, खासकर व्हाइट ब्लड सेल्स को। इसे हम CD4 सेल्स और टी सेल्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। असल में एचआईवी वायरस सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। इस स्थिति में इम्यून सिस्टम बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की अपनी क्षमता को खो देता है। इसे सरल भाषा में यूं कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को एचआईवी है उसे संक्रमण सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं बहुत आसानी से हो जाती हैं। सामान्यतः एचआईवी ब्लड, सीमेन और वजाइनल फ्लूइड के कारण फैल सकता है। खैर, इस गंभीर बीमारी के शुरुआती लक्षण के बारे में अगर जान लिया जाए तो सही ट्रीटमेंट संभव हो सकता है और अपनी स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से रोका जा सकता है। पुरुषों में एचआईवी के शुरुआती लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है बुखार। एचआईवी होने पर अक्सर लोगों को शुरुआती दिनों में बुखार का अनुभव हो सकता है। कई बार बुखार के साथ कपकपी भी छूट सकती है। दूसरा लक्षण है थकान। एचआईवी के शुरुआती लक्षणों में व्यक्ति को थोड़ा बहुत फिजिकल काम करते ही थकान महसूस होने लगती है। एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति रिफ्रेशिंग महसूस नहीं करता है और काम करते हुए ऊर्जा की कमी का एहसास भी बना रहता है। रैशेस। एचआईवी होने पर व्यक्ति को बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। लोग अक्सर इस संकेत को अन्य बीमारी से जोड़कर देखते हैं, जबकि एचआईवी के लक्षणों में बॉडी रैश भी शामिल है। वैसे रैशेस हार्मोनल असंतुलन के कारण भी हो सकता है। गले में खराश। एचआईवी होने पर पुरुषों को अक्सर गले में खराश होने की समस्या भी नोटिस की जाती है। हालांकि अक्सर बदलते मौसम में सामान्य संक्रमण समझकर इसकी अनदेखी कर दी जाती है, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक गले में खराश, दर्द है और तबीयत में सुधार भी नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि आप अपना टेस्ट करवा लें। जोड़ों में दर्द। एचआईवी होने पर जोड़ों में दर्द होने की समस्या भी देखी जा सकती है। हालांकि मौजूदा समय में ज़्यादातर लोगों का डेस्क जॉब होता है, ऐसे में घंटों स्क्रीन के सामने बिताने के कारण लोगों में दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। डायरिया। डायरिया भी एचआईवी होने के शुरुआती लक्षणों में से एक है। अक्सर एचआईवी के मरीज जो भी खाते हैं उन्हें आसानी से हजम नहीं हो पाता है। इस स्थिति को अक्सर लोग फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखते हैं। मुंह में छाले। एचआईवी होने पर मुंह के छाले की समस्या भी देखी जाती है। हालांकि ये महज शुरुआती लक्षण है, इसलिए जरूरी नहीं कि इसे हर बार एचआईवी के साथ जोड़कर भी देखा जाए। आपको बता दें कि कई सालों से या दशकों से एचआईवी के लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जब इसके लक्षण उभरने लगते हैं तब तक इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है और मरीज का किसी भी तरह से बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं रहता है। लास्ट एंड क्या होता है,
मौत। तो आप अपना ख्याल रखें, आप अपना केयर करें। अगर आप अपना केयर करेंगे तो समझें आपकी फैमिली का आप केयर कर रहे हैं। इसलिए बाहर कहीं भी किसी दूसरे शख्स के साथ सेक्स बनाते वक्त आप कंडम यूज करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे को, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।